जो रिश्ते हैं वो शर्मसार हो जाती है। तो ये ऑफिस वाले को गाड़ियों से इनकी पत्नी ने काट बिल्कुल रखते हैं जी, एक्चुअली चलाया करता गौशाला की लोहानी से, और घर वाले अब भी ये धमकी दे रहे हैं कि तेरे होते हैं जैसे कि पागल मेरे को। फिर कोई भी मजबूर लाचार इंसान आ सकता है। और नमस्कार, मैं हूं राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। साथियों, फिलहाल की अगर बात करूं तो भिवानी के अंदर मौजूद हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हरियाणा के अंदर बहुत ही मतलब जो रिश्ते हैं वो शर्मसार होते जा रहे हैं। और फिलहाल भाई मैं भाई संदीप के आश्रम में पहुंच चुका हूं। आश्रम का नाम कैमरा में दिखा दे एक बार, मानव जन कल्याण ट्रस्ट। ये ट्रस्ट है भाई यहाँ पर, और संदीप भाई के ट्रस्ट के अंदर आपको बता दूँ कि भाई हर तरह के जो मजबूर लाचार लोग जो हैं वो आते रहते हैं, और यहाँ पर भाई उनकी खूब अच्छी तरह से हर तरह से सेवा की जाती है। ये ऑफिस है भाई, देखिए यहाँ पर वैद्य संदीप जी, यहाँ हर प्रकार की बीमारी का सफल इलाज भी किया जाता है, जैसे सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, गठिया बा, नस ब्लॉक आदि। तो अंदर चलेंगे भाई ऑफिस के अंदर। एक भाई साहब कल ही यहाँ पर पहुँचे हैं, और बताया जाता है कि भाई उनकी घरवाली ने उनके दोनों पैर भाई कुल्हाड़ियों से काट दिए भाई। जी हाँ, आगे सच्चाई क्या है वो अंदर जाने के बाद भाई साहब से बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे। कैमरामैन आगे आ जाए भाई एक बार। तो ये ऑफिस भाई, ऑफिस के अंदर चलते हैं। तो ये भाई संदीप भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये भाई साहब हैं। बताया जाता है कि भाई इस भाई के दोनों पैर जो भाई कुल्हाड़ियों से इनकी पत्नी ने काटे हैं, और काफ़ी सारे चोटें इनको मारी गई हैं, चलने में बिल्कुल मतलब लाचार हो चुके हैं। इसीलिए भाई मजबूरन इनको संदीप भाई का सहारा लेना पड़ा, और यहाँ पर भाई मानव जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के अंदर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो संदीप भाई मौजूद हैं, भाई साहब भी उनसे बातें करेंगे भाई, आखिर पूरा का पूरा मैटर क्या है। राम राम संदीप भाई। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले आपके जितने भी साथी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। तो ये अजय जी हैं जी, शिंडवा गांव से। तो ये अपने पास दो तीन दिन हुए जब आए हैं, तो किसी का रीजन जानने के बाद रखते हैं उसको हम संस्था में। तो और वही बात हम भाई मीडिया के आगे लोग आगे पूछा, हाँ भाई किस दिक्कत में आया है, किस परेशानी में आया है, या झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। संदीप भाई कब पहुँचे आपके पास ये परसों आए थे। हाँ जी, तो आपके आश्रम में कोई जैसे किसी भी तरह का बंदा तो आप रख लेते हैं? हाँ बिल्कुल रखते हैं जी, एक्चुअल में जरूरतमंद होना चाहिए। नहीं भाई कोई बेदारू पी हुआ है और कुछ कर रहा है, मान ले कोई भी आएगा उसको रख ले। हाँ पहले उसकी तकेकात करा। हाँ जी भाई, जो किस तरीके का, तो इन्होंने बताया जी मेरे पैर काट रखे हैं मेरी वीरवानी ने। जी जी हाँ, मिल के कटवाए थे भाई, ये दिक्कत है। मगर भैया बात तो इसी है, मान ले पूछानी चाहिए भाई लोग आते, इसलिए भाई कोई आता है तो मतलब आप कोई आईडी वगैरह चेक कर। हाँ बिल्कुल चेक करा, आईडी सबकी में देखते हैं। लेकिन भाई ये क्या है, जैसे कि आप जो ऑफिस बना रखा है यहाँ पर पीछे लिखा हो भाई सर्वाइकल वगैरह की, सब तरह की जोड़ों दर्द की दवाई। वैद्य हूँ जी यहाँ पर कोई, हाँ जी कोई डिस्क प्रॉब्लम हो, कोई सर्वाइकल हो, कोई भी एक्चुअल में नस ब्लॉक कोई संबंधित हो, कितनी भयंकर तकलीफ हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा हो उसका बिल्कुल गारंटी से इलाज करते थे। ये जितने भी हैं सारे ऑपरेशन वाले हैं, जो ऑपरेशन ठीक हो रहे हैं। पित्त की थैली लिखा हुआ इसका भी इलाज। हाँ पित्त की थैली का भी इलाज। हाँ पित्त की थैली ऑपरेशन होता है ना, बिना ऑपरेशन निकाल देंगे जी, 10 दिन में 1 mm पत्थर निकाल देंगे गारंटी से, बिल्कुल गारंटी से, ना तो पैसे वापस। हाँ जी धन्यवाद भाई, एक बार इन भाई से बात करेंगे। नमस्कार, नाम आपका? अजय कुमार है जी। अजय कुमार कहाँ से? गांव सिंडवा से। तो आपने बताया जैसे संदीप भाई को फोन आया था हमारे पास कि भैया ऐसे ऐसे इंसान आया हुआ है, तो मतलब क्या घटना की? घटना तो जी माने मैं गाड़ी चलाया करता गौशाला की जी, बस रिश्ते का जिक्र था भाई लड़की संडवा गौशाला की। तो मैंने रिश्ते का जिक्र था इस बात पर, मुआद घर वालों ने मानी घरवाली ने अपना भाई बुलाकर मेरे सुत्ते पर अटैक करवा दिया, दोनों पैरों में चोट है 3 साल से। छोटी सी बात को लेकर के? हाँ छोटी सी बात लेकर के, ये सच्चाई है। या पहले से कोई मतलब आपका कोई देश भावना नहीं? नहीं नहीं कोई वो नहीं, लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, फिर मेरे ये कहने का मतलब मैंने सुत्ते पर अटैक किया है, मैं चलने में मजबूर हूँ, मेरी विकलांग की पेंशन भी बन गई है, और देखो जी और सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, चलने में मजबूर हूँ जी। भाई कुल्हाड़ियों से काटे थे, कुल्हाड़ियों दोनों पैरों में तकलीफ है जी, एक नहीं दोनों से। ओ ये देखो चलता हूँ ये फूल जाता है, तो बताओ मैं क्या करूँ, और अब भी मेरे को जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। बात करें अब ये कब की बात है? ये 3 साल की बात हो लीजिए। हाँ मुझे ये पता नहीं था कि आप संदीप भाई के पास पहुँचे हो। आप कब आए? मैं 14 तारीख को आया हूँ जी। कहाँ से आए हो? लोहानी से। हाँ लोहानी में मैं हॉस्पिटल में थाली धोकर अपना इलाज किया हुआ है। घर वाले भी इस बात पर चिढ़ते हैं कि तुम बर्तन हॉस्पिटल में जो फौजियों का हॉस्पिटल वो योगी नेतानाथ। हाँ जी हाँ। अच्छा उसके बाद मतलब आपको किसी ने संभाला, मतलब आपका ट्रीटमेंट कहाँ से हुआ? मेरा लोहानी पहले तो तुषाम से बना है,
शुरू से फिर तो शाम से वो डॉक्टर सरकारी लग गए, जहाँ मनीष शोराने में ना सरकारी मिशिवल में इसमें लग गए, उनने मेरे थोड़ा बचाया। फिर उसके बाद ये मुआद ने डटा, मैंने मेरे लोहानी में बर्तन धोकर मेरे पैरों का इलाज किया। और घर वाले अब भी ये धमकी दे रहे हैं कि तेरे अब की बार पैर काटेंगे, अब की बार तुम्हारे हाथ काटेंगे, ये धमकी दे रहे हैं मेरे को। बोले अब ये गौशाला से कृष्ण से पता कर लो, अब 3 महीने की बात हुई मैं गाड़ी चलाया करता, मैं मेरी दिक्कत ये है जी, मैं चलता हूँ ना, जब पेशाब पानी करता हूँ तो भी मेरे को दिक्कत आती है, क्यों चल कर करना पड़ता है। जब नहीं कि आप नंदा सवार करते थे पहले शराब वगैरह? ना जी बिल्कुल, गांव भी एक बार न्यू कर भाई बीड़ी भी नहीं पीता। आप तो शराब की बात कर रहे हो जी, तो मेरे आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे हैं जी, 2 लड़की हैं 1 लड़का है जी। कितनी? लड़की तो ब्याह दी जी, मैंने कोई 22 हाँ 22 साल की, कोई 23 की है, तो लड़का 11वीं पढ़ रहा है, वो 17 साल का हो गया जी। हाँ जी, और ये मेरा सर्टिफिकेट बन रहा है जी, देखो जी, और बड़ा भी है मेरे पास डिजेबिलिटी का, देखो आईडी कार्ड है इनका। मैं तो मजबूर हो गया अब, जो भाई ये कुछ करने के लायक नहीं, इसीलिए भाई संदीप भाई का इन्होंने सहारा लेना पड़ा भाई, आश्रम में आ गया। अभी आप क्या करें जी, अब भी ये धमकी दे रहे हैं तो अब तो दोनों पैर और मेरे दोनों पैर हाथ और मेरे बेलू से बांध देते हैं, जैसे कि पागल है कि ये यही समझती है कि घर वाली कि मैं जानती हूँ। मैं तो मजबूर हो गया, मेरी जान में खतरा है, मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक छोटी सी बात को ले, रिश्ते की बात बता रहे हो आप, तो इतना बड़ा कांड उन्होंने रच दिया। हाँ देख लो जी, ये बात तो सच्चाई लगेगी, ये तो कोई नहीं बोलेगा, मेरे पड़ोसी भी हाँ बिल्कुल राइट बोले है, यानी किसी। अच्छा उससे पहले आप मियां बीबी के बीच में कोई अनबन होती थी? नहीं नहीं, ऐसे तो देखो घर में मैंने 5-7 दिन में हो जाए करे, जब उसकी गलती कोई नहीं मानता भाई, घरवाली तेरी न्यू बोलती है, उसकी कोई नहीं मानता, सब ये सोचते हैं भाई यू पागल है। तो आगे अब आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ जी, मैं मेरी जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो दीवाना जबरदस्ती खोज लेते हैं, वो मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए साहब, जैसे मेरी कागज कार्रवाई है जी, और मेरे जो मेरे बाप ने जन्म दिया था तो वो मेरे को कुछ संपत्ति तो दे, मैं अब क्या कर सकता हूँ। ज़्यादा जमीन है माले, हम 2 भाई हैं मेरे बाप के, तो 6 किले हैं, तो 3 दिन आते हैं, तो मेरा हिस्सा कुछ तो होना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ अब। बेटा बेटी क्या कहते हैं? बेटा बेटी क्या कहते हैं, वो माँ की तरह बोलते हैं, माँ एक ऐसी चीज़ है, माँ अच्छी लगती है। अरे बाप भी कुछ होता होगा, बाप ने भी कुछ जन्म दिया है, उसके पास बैठे बतलाए, मैं मेरे सरक सरक कर तो मेरे पैरों का इलाज किया है, ये मवाद जहाँ डॉक्टर भी नहीं बोल रहे, बिल्कुल मुआद आ रहा था जी। तो आपने कोई कार्रवाई की, मतलब वो करी? नहीं जी, कार्रवाई कैसे करूँ, घर वाले जो डॉक्टर है उस पर जबरदस्ती छुट्टी लेकर बोले इसको घर पर ले जाएंगे, तो 3rd दिन 4th दिन छुट्टी ले ली जबरदस्ती। डॉक्टर ये बोला था इसको कम से कम 15-20 दिन भी नहीं रखूँगा, बहुत ज़्यादा चोट है, तो जबरदस्ती उठा लेगी मेरे को। फिर वहाँ जाकर मेरे को बांध दिया, यानी कि 1.5 साल तक मेरे को बंधक बनाए रखा ताकि बाहर नहीं जा सके। अब मैंने भगवान की तो ऐसा है जी, जैसे आप जो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, हम वहाँ भी आपके घर भी जाएंगे, ठीक है, आपकी पत्नी से भी पूछेंगे। देखो हमारा दर्शक को हमारा कहना यही कहने का मतलब यही है कि भाई हम एक पक्ष न दिखा करके दूसरा पक्ष भी दिखाना चाहते हैं, इसमें हमारा कोई गारंटी नहीं बनता, हमारे चलने की कोई गारंटी है ना, कोई जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दूसरा पक्ष जब सामने आएगा तब सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि आरोप लगाने कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है, आपको पता है। तो आगे चल के हम वहाँ पर जाने के बाद अगर वहाँ कवरेज करें तो आपकी अगर सच्चाई जो आप बता रहे हो अगर ये उल्टी निकलती है तो फिर क्या करोगे? तो देखो जी, चोट तो मेरा लग रही है जी, तकलीफ तो मेरा होगी जी, घर वाले तो नहीं कहेंगे ऐसे ऐसे, फिर उनकी मानोगे या मेरी मानोगे, एक बात तो अब सच्चाई अब फोन कर पूछ लो तुम्हारे कितनी चोट। हमारा काम दिखाना है, पब्लिक के सामने लेके आना है बस, वो तो ठीक है जी, घर वालों को अब न्यू देख लो तुम्हारे कितनी चोट लग रही है जी, वो बताएंगे, उनको तो सुई की मतलब कण का मतलब कांडा भी नहीं लग रहा, और तकलीफ तो मेरा होगी जी, चलता हूँ यानी कि थोड़ा सा 2 कदम जाता हूँ तो न्यू हो जाती है, पैरों को कटवा लूँ नहीं ये कटे। संदीप भाई का एड्रेस आपको किसने दिया? मैंने लोहानी से, ये मैडम जा रही थी ना जो आश्रम के लिए लाती हैं, वो मेरे को मिल गई, मुझे मेरे को भी ले चलो जी, मैं परेशान हो रहा हूँ जी, दुख पा रहा हूँ, सर्दी का टाइम है जी, चला नहीं जाता, जिद वो नहीं जी, चलो वो ठीक है तेरे को हम ले जाएंगे, मैंने पैर दिखाए, पर चलने में मजबूर हूँ, बैठा हूँ तो पैर ये तो पैर ऐसे काम करते हैं क्योंकि मैं बैठा हूँ और चलता हूँ जो चला नहीं जाता जी, बात ऐसे है जिद में यहाँ 14 तारीख को यहाँ आया हूँ। ओके धन्यवाद, ठीक है जी।
साथियों सुन लिया आपने सारी बातें भाई, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल जो भाई संदीप भाई के पास यहाँ पर पहुंचे और सल्यूट करता हूँ भाई ऐसे ऐसे भाइयों को जो ऐसे ऐसे आश्रम चला रहे हैं फिलहाल, जैसे मानव जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के नाम से जो आश्रम चल रहा है, यहाँ पर कोई भी मजबूर लाचार इंसान आ सकता है और यहाँ पर रह सकता है। तो संदीप भाई को भी सल्यूट है और भाई इस आश्रम को भी सल्यूट है। तो संदीप भाई लास्ट में क्या कुछ कहना चाहोगे भाई? लास्ट में मैं सभी भाइयों से यही बात कहना चाहूँगा भाई, इस भाई को ये सही है या गलत है इसको इंसान मिलना चाहिए। मेन बात यह नकल न भाई किसी के साथ भी ये हादसे हो सके भाई, ठीक है। ये लोग आप बताओगे भाई, आप इसको इंसाफ दिलाओगे, हम तो कौन है भाई, हम तो दो रोटी क्लास का यहाँ पर आश्रम में, ठीक है, और कुछ नहीं जी, मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद भाई। तो सारे सभी साथी मिलकर के इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ऐसी घटनाएं आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर ना हो और उनको कुछ सीख मिल सके। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।